वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है आप सोचोगे मैं ये कहाँ आ गई, तो मैं यहाँ पर अपने पार्लर आई हूँ। यहीं से मैंने जो है वो मेहंदी सीखी थी और यहीं से जो है ना मेरी बहन ने जो है वो ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स किया था, फुल कोर्स। ब्राइडल, आज ब्राइडल मेकअप की क्लास है। वैसे ये क्लास जो है वो इनका ब्राइडल वगैरह सब शूट वगैरह सब हो चुका है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास दी है, मेकओवर करवाया है, तो उसकी वजह से जो है इन्होंने हमें आज बुलाया था। तो मैं आई थी, मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इन्होंने मुझे भी क्लास दी थी। अब हम जो है ना अपनी क्लास में आ चुके हैं, यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। टीचर वगैरह का, मॉडल वगैरह का वेट हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने इजाज़त दी थी कि आप लोग वीडियोज़ वगैरह बना के सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। तो स्पेशली उन्होंने हमें कहा था कि आप अपने ब्लॉग पर डाल दिएगा। खैर, इससे पहले मेरा चैनल बंद हो चुका है, ये मैंने उसके लिए बनाया था, लेकिन मेरा चैनल जो है वो बंद हो चुका है, उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में सुना दूँगी। यहाँ पर जो है मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर कैमरा वगैरह सेट हो रहे थे। मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग क्लास एंजॉय करें और सीखें। क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, क्वांटिटी इतनी कम
काफी चीजें
इस पे प्रेशर आया
हमेशा ब्राउन। अब इसका
Thank you.
थोड़ी सी छोटी हो जाए मसला नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। बड़े में क्या होता है, एक ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने इस तरह से लगाई, ठीक है, पानी निकलेगी तो आपके यहाँ से आइस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, आप उसको अलग से लगा लेते हैं, ऊपर करके अलग से ही, अलग से लगाने का होता है क्वार्टर वाला लगाता है, मतलब मुझे नहीं पसंद, काशी वाले अक्सर होता है बाहर तक लेकर आता है, फिर लाइनर को नीचे तक लाता हूँ फिर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, हर आइस पे वो नहीं अच्छा लगता, ठीक है, बट आप अगर वैसे लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा अगर ज़्यादा इन साइड करते हैं हम तो जल्दी आम हो जाए, एक घंटे में आइस करते तो वो भी नहीं होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इनर वाला साइड जो है जो इसका एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है उसको तो आप कट कर, ठीक है, इस साइड वाले को आइस के हिसाब से जितने नीड है एक नेचर हो। Thank you.
बाद में छोड़े हुए बाद में होता है ना झंडे ऐसे में आते हैं उसमें टैपिंग करने के ना फिर ये हो प्रॉपर शेड जहाँ तक है वहाँ तक इसको ले करते आप चाहे शेड की जितना इसको आप मैंने ये मतलब डल गोल्ड है आप इसको शार्प गोल्ड लगाना है आपने सिल्वर लगाना है तो आप इसको डस्ट को शार्प लगा दीजिए अगर आपने ज़्यादा इन्हेंसमेंट है मगर ये है बाकी डल गया और जहाँ रिंकल्स हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर रिंकल्स वैसे भी ब्लिंक करेंगे आइस को चढ़ता रहे या लाइट जा चुके जाने से पहले भी मेरा प्लान था आपके पास आने का बट वन कर ली हो गया कि ये कलर बिछने ही हो लगे तो ये जगह आपकी लाइन होगी यहाँ तक आप उसको बिल्कुल लाइन नहीं लगाए ठीक है
जो अपनी लैशेज होती है ना
पर जो हमारी मॉडल का मेकओवर डन हो चुका था, मेरा मोबाइल डेड हो चुका था, तो मैं बैटरी की वजह से जिसकी वजह से मैं पिक्चर्स नहीं ली सकी। ये फाइनल लुक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर्टिफिकेट नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।